हेलो इंडिया, यूपी पीजीटी के लिए 2010 का पेपर इंग्लिश का, 2016-2013 के सारे क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ आपको। इसमें 1 से 30 तक क्वेश्चन होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है A2Zacharias, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन दबा दीजिए अगर आप चाहते हैं रोजाना पीजीटी की तैयारी, इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी। सुबह 10 बजे, दिन में 3 बजे और रात को 8 बजे, ये 3 क्लास चलती हैं। सुबह 10 बजे हम पेपर डिस्कस करते हैं, दिन में 3 बजे हम एक हिंदी राइटर को डिस्कस करते हैं और शाम को 8 बजे या तो इंग्लिश राइटर या ग्रामर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2010 के पीजीटी के पेपर की। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पैसेज दिया है और इस पैसेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैसेज के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। Which of the following were the opinions of townsmen about the mountain before the 18th century? 18वीं सेंचुरी से पहले टाउन्समैन का माउंटेन्स के बारे में क्या विचार था, क्या कहा करते थे? पैराग्राफ अभी पढ़ेंगे। Which natural objects made the Lake District a popular place for holiday? लेक डिस्ट्रिक्ट को पॉपुलर प्लेस हॉलीडे का क्यों बना दिया था, किस वजह से? यहाँ के लेक के कई सारे राइटर भी हैं क्योंकि वो लोग लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज माउंटेन क्लाइंबिंग डिस्क्राइब? माउंटेन क्लाइंबिंग को कैसे डिस्क्राइब किया गया कि क्या होता है माउंटेन क्लाइंब करने से? अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ये आंसर करने, हाउ डज वन फील आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंटेन? माउंटेन चढ़ने के बाद किसी आदमी को कैसा महसूस होता है? नेक्स्ट है, इन चेंजिंग द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड इन द वर्ब ईट? आई नेवर ईट फिश, इसमें ईट का क्या चेंज होगा? ये टोटल जो क्वेश्चन थे, टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1-4 के लिए, इट वॉज ओनली इन 18th सेंचुरी दैट पीपल इन यूरोप बिगिन टू थिंक दैट माउंटेन आर ब्यूटीफुल। 18वीं सेंचुरी के बाद ही यूरोप के लोगों ने सोचना शुरू किया कि माउंटेन भी खूबसूरत होती है। बिफोर दैट टाइम दे वर फियर्ड बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लेन, जो मैदानों में रहते थे वो इनसे डरा करते थे, एंड स्पेशली बाय टाउन्समैन। टाउन्समैन जो गांव के लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा डरा करते थे। टू होम दे वर वाइल्ड डेंजरस प्लेस इन विच वन हैज लॉस्ट और आइडल्ड बाय टेरिबल एनिमल्स, इन्हें समझा जाता ये खतरनाक प्लेस है और आइडल्ड है, बिल्कुल खो जाता है आदमी और टेरिबल एनिमल वहां पे आदमी को मार देते हैं। टाउन्समैन सॉ इन देयर सिटीज द विक्ट्री ऑफ मैन ओवर नेचर। टाउन्समैन के लोगों ने देखा सिटीज में जहां आदमी ने नेचर पे विजय पाली, सिविलाइजेशन पे, ऑर्डर, पीस, ब्यूटी ओवर व्हाट वाज वाइल्ड, जो कि जंगली था, क्रूअल था, डिसऑर्डरली था, अगली था, उस पे विजय पाली। स्लोली हाउएवर मेनी ऑफ पीपल हु वर लिविंग कंफर्टेबली इन दिस टाउन सिटी सिविलाइजेशन बिगिन टू ग्रो टायर्ड ऑफ इट, जो टाउन्समैन में रहते थे वो इससे थकने लगे। मैन हैज मैनी इंस्टिंक्ट्स इन हिज हार्ट, उसके दिल में कई चीजें दबी हुई थी। वन ऑफ दीज इंस्टिंक्ट इज टू एक्सप्लोर द अननोन, इनमें से एक थी कि कोई जो अज्ञात चीज है उसको ढूंढे। नॉट टू बी सेटिस्फाइड विद ए लाइफ इन विच एवरीथिंग इज ऑर्डरली, वो उस जीवन से सेटिस्फाई नहीं था जिसमें सब कुछ ऑर्डर में चल रहा हो, पीसफुल चल रहा हो और आसानी से समझ में आने वाला हो। But to look for mystery, लेकिन वो रहस्यों को जानना चाहता है। Four things which the reason cannot explain, जिसके लिए कोई reason तो explain नहीं किया जा सकता। Four sights and sounds which produce in one a thrill of fear, ऐसी दृश्य देखना चाहता है, ऐसी sound सुनना चाहता है जिससे डर का thrill पैदा हो। So in 18th century, 18वीं शताब्दी में people begin to turn away from the man-made town to the untouched country and particularly
तो 18वीं सेंचुरी में लोगों ने मैन मेड टाउन को छोड़ के अनटच कंट्री, जिस कंट्री को जा नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए, पर्टिकुलरली टू प्लेस वेयर इट वॉज डेंजरस, जहां प्लेस डेंजरस हो, रफ हो और डिसऑर्डरली हो, वाइल्ड रॉक, जंगली चट्टाने हो, हाई माउंटेन्स बिगिन टू टेक देयर प्लेस इन पोएम्स, पोएम में, नॉवल में ऊंची ऊंची पहाड़ियों ने स्थान लेना शुरू किया, एंड द लेक डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, एक लेक डिस्ट्रिक्ट था नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में विद इट्स माउंटेन एंड लेक, जहां पे पहाड़ियां थी और झीलें थी, बिकम ए पॉपुलर प्लेस फॉर हॉलीडे। जैसे हमारे यहाँ शिमला है या ऊटी है, उसी तरह से लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में झील और माउंटेन्स के कारण एक हॉलीडे का स्थान बन गया। द माउंटेन क्लाइंबिंग बिगिन टू ग्रो पॉपुलर एज ए गेम, माउंटेन क्लाइंबिंग एक पॉपुलर हो गई जैसे कि गेम हो, खेल हो, टू सम पीपल देयर इज समथिंग एनॉर्मसली अट्रैक्टिव, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्टिव चीज थी अबाउट सेटिंग आउट टू कॉन्कर ए माउंटेन, कि हमने माउंटेन को जीत लिया। स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर इज फाइनल, नेचर के अगेंस्ट स्ट्रगल करना देन ए बैटल अगेंस्ट अदर ह्यूमन बींग, किसी दूसरे ह्यूमन बींग की बजाय, एंड देन When you are at the top of giant mountain, और जब आप ऊंची पहाड़ी के सबसे ऊपर होते हो, what satisfactory it is, क्या satisfaction होगा, is to be able to look down over everything within sight, जहां से आपको सब कुछ एक सरसरी नजर में दिख जाएगा, at such times you feel nobler, purer, उस समय आप बिल्कुल nobler, सज्जन और purer, बिल्कुल शुद्ध व्यक्ति लगते हैं, then You can feel ever down below, और ऐसा आपने कभी नीचे की ओर महसूस नहीं किया होगा। ये था पैसेज, बड़ा ही जबरदस्त पैसेज था। तो इस पैसेज के क्वेश्चन पढ़ते हैं। Following were the opinion of townsmen about the mountain before 18th century. 18th century से पहले क्या सोचते थे townsmen के लोग? They were wild, ये भी सोचते थे। They were dangerous place, ये जंगली place है। दोनों बातें, दोनों ही बातों को सोचा करते थे माउंटेन्स के बारे में। विच नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट ए पॉपुलर प्लेस ऑफ हॉलीडे, माउंटेन और लेक के कारण, यानी इसका भी बोथ ऑफ दीज सही होगा, माउंटेन्स भी थी, लेक भी थी लेक डिस्ट्रिक्ट में, और पॉपुलर हॉलीडे स्थान बन गया। हाउ इज माउंटेन क्लाइंबिंग डिस्क्राइब, माउंटेन क्लाइंबिंग को कैसे डिस्क्राइब किया? पॉपुलर, ये प्रसिद्ध हो गया, एनॉर्मसली अट्रैक्टिव और जबरदस्त अट्रैक्टिव भी लगा, इसका भी बोथ ऑफ दीज होगा। How does one feel after climbing the mountain? देखो दो वर्ड थे, nobler और purer, वो अपने आप को समझते थे, इसका भी both of these होगा। मेरे ख्याल से इससे आसान पैसेज शायद ही PGT में कभी आया होगा, एकदम से सारे क्वेश्चन मिल गए। हाँ, RC सेक्शन लंबा जरूर था, लेकिन क्वेश्चन सारे मिल गए, और 4/4 चार क्वेश्चन तो सही हुए ना। इसके लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्वेश्चन पर एक सरसरी नजर मारा करो एट ए ग्लांस, और उसके बाद पैसेज पढ़ा करो, तो आपको आसान होगा कि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ पाए। इन चेंजिंग द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है, ईट का क्या होगा? ही एक्सप्लेन आई नेवर एट फिश, यानी प्रेजेंट का पास हो जाता है, ये आपको पता होगा, एट आ जाएगा, एट, ATE। नेक्स्ट है, व्हाट डज मींस टू कॉल ऑफ, टू कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? टू कॉल ऑफ का मतलब होता है एबेंडन समथिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, जो चीज चल रही हो उसे एकदम से रोक देना, बंद कर देना, कहलाता है टू कॉल ऑफ। व्हाट आर डेजर्ट्स, डेजर्ट्स क्या है? देखो एक तो डेजर्ट होता है रेगिस्तान, DESERT, डेजर्ट, एक होता है डेजर्ट्स जिसमें डबल एस लगा होता, इसका मतलब पुडिंग्स, मीठा कुछ खाने का, मीठा हो जाए, वैसे आइसक्रीम्स को भी डेजर्ट्स बोलने लगे, खाने के बाद जब हम कोई कुछ मीठा खाते हैं तो दैट इज कॉल्ड डेजर्ट्स। व्हाट डज यू मीन बाय पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या है? पेंडोरा बॉक्स का मतलब है ए प्रोसेस दैट वंस बिगिन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, एक प्रोसेस शुरू हो गया और उसमें से उलझी हुई प्रॉब्लम्स निकलती चली जाती हैं, मतलब कुछ से कुछ निकलता चला जाता है, मैजिशियन इसको यूज करते हैं, पेंडोरा बॉक्स, खरगोश भी टोपी में से निकाल देता है तो उसे पेंडोरा बॉक्स बोला गया,
कि एक प्रोसीजर शुरू हुआ और उसमें से कॉम्प्लिकेटेड चीजें निकलती चली गई। वैन वाज अनटचेबल फर्स्ट पब्लिश, अनटचेबल छूत है ना, ये ध्यान होगा आपको। बागा इसमें अनटचेबल में एक जो स्केवेंजर होता है 1935 में पब्लिश हुआ मुल्क राज आनंद के उपन्यास में, उन्होंने इन बातों को उठाया और वो जैसे घर जाके बताता है कि एक अंग्रेज एक ऐसी मशीन ला रहे हैं कि जिससे हमें टॉयलेट साफ नहीं करना होगा। मशीन का मतलब है ये जो फ्लश वाले टॉयलेट है, ये अंग्रेजों की देन है भारत में। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बुक किसने लिखी थी? एडवर्ड ब्रैडले ने, एडवर्ड ब्रैडले विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, की मीन सोनेट, इस सोनेट से शेक्सपियर ने अपना हार्ट खोल के रख दिया। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ। द राइमिंग ऑफ वोवल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज व्हाट? वोवल की साउंड राइमिंग कॉन्सोनेंट के बिना क्या कहलाती है? इट इज कॉल्ड एजोनेंस, ए डबल एस ओ एन ए एन सी, एजोनेंस कहलाती है। द फिगर ऑफ स्पीच, ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप, लाल फीता साहिब का बहुत पसंद करता है। लाल फीता साहिब क्या होते हैं? आपने फाइल दी ऑफिस में और वो दबी रह गई, उसके ऊपर एक लाल फीता लगा दिया जाता है, तो इसे लाल फीता साहिब बोलते हैं। ये है मेटोनीमाई, मेटोनीमाई। द फिगर ऑफ स्पीच प्लक फ्रॉम द मेमोरी ए रूटेड सैरो, उसने मेमोरी से डीप रूटेड दुख उसको मिला, इसमें होगा हाइपरबोल। मेमोरी में से कहां से दुख निकाल सकते हैं? दैट इज हाइपरबोल। द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज एन, पवित्र समय बिल्कुल ऐसा शांत था जैसे कि नन हो, यानी कंपैरिजन किया गया है एक निर्जीव चीज का सजीव चीज से, दैट इज कॉल्ड सिंबली। एज ए नन, एज और लाइक लगा होता सिंबली, और अगर वो एज और लाइक लगा के बिल्कुल उसका मतलब ही बन जाए तो मेटाफोर होता है, उपमा। दिस सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, यह समुद्र जिसने देख लिया बोजम ऑफ द मून, पर्सोनिफिकेशन, इसे पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री में सोनेट किसे लाने का श्रेय दिया जाता है? वायाट, सर थॉमस वायाट, 14 लाइन की पोयम को जिसमें वेरिएबल राइम स्कीम्स होती हैं, ये इटली से आई थी, और इंग्लैंड में सर थॉमस वायाट, हेनरी अवार्ड और अर्ल ऑफ सूरे इन 16 सेंचुरी में लेके आए थे। तो सर थॉमस वायाट को सोनेट का अंग्रेजों के पास लाने के लिए जाता है। ए सोनेट इज अ पोएटिक फॉर्म विच ओरिजिनेटेड इन इटालियन पोएट्री कंपोज एट द कोर्ट ऑफ रोमन एम्परर फ्रेडरिक इन पलेमो सिसिली, द 13th सेंचुरी पोएट एंड नोटरी ग्यासोमो डा लेंटिनी इज क्रेडिटेड विद सोनेट इन्वेंशन फॉर एक्सप्रेसिंग कोर्टली लव। जियाकोमो डी लेंटिनी को सोनेट बनाने का श्रेय दिया जाता है इटली के लिए, लेकिन अंग्रेजों के पास वायाट लेके आए थे, इंग्लिश में वायाट ने सोनेट शुरू किए थे। स्पोर्ट द करेक्ट स्पेलिंग, चौफा यानी ड्राइवर, सी एच ए यू डबल एफ ई यू आर, शोफर, इसे शोफर बोलते हैं। टू हैव एन एज ऑन, इसका मतलब क्या हुआ? टू हैव एन एज ऑन, इसका मतलब हुआ टू बी स्लाइटली बेटर देन, टू हैव एन एज ऑन। बोन होमी, बोन होमी का मतलब क्या हुआ? बोन होमी सोशल, वो बोन होमी है यानी सोशल है। द वर्ड टेरेन, टी ई डबल आर ए आई एन, मीन्स व्हाट?
टेरेन मीन्स ट्रैक्ट ऑफ लैंड, एक लैंड का छोटा हिस्सा जिससे रास्ता मिलता है, दैट इज कॉल्ड टेरेन, जिसमें खतरे होते हैं, ट्रैक्ट ऑफ लैंड। क्रॉस कैजुअलिटी और डाइसिंग टाइम आर फ्रेज हार्डली यूज इन हार्डी यूज, हार्डी जो थे उन्होंने यूज किए क्रॉस कैजुअलिटी और डाइसिंग टाइम। ए मीटिंग विद डेस्पियर ने, हु इज द ऑथर ऑफ समर इन कैलकाटा, कैलकाटा की समर आपको याद होगा, कमला दास जो कोलकाता में रही है उनके फादर वहां पे जॉब करते थे, कमला दास समर इन कलकत्ता, वैसे वो केरला से थी, मलयालम लैंग्वेज और इंग्लिश में लिखा करती थी। स्पॉट द एरर्स, इसमें एरर बतानी है, एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होगा, रियल प्रॉब्लम होगा, एम्प्लॉयमेंट इज अ रियल प्रॉब्लम, तो यहां पे ये सेंटेंस में मिस्टेक है। मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस इफ देयर इज नो एरर इन इट, इसमें कोई एरर नहीं है तो फोर लगाना है, एरर है तो बताना। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कजन सिस्टर हु हैज जस्ट रिटर्न टू जर्मनी, आई हैव टू रिक्वेस्ट यू या आई विल रिक्वेस्ट यू, फर्स्ट में मिस्टेक है। विच सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आई ईट ओनली वैन आई एम हंग्री, मैं तभी खाता हूं जब मैं भूखा होता हूं। I eat only when I am hungry. Which of the following sentence is correct? इनमें से कौन सा sentence correct है? Unless he exercises regularly, he will be weak. जब तक कि वो रोजाना exercise नहीं करेगा, वो weak रहेगा. Jumble of the sentence of their passion is a knowledge of mankind. इसका होगा नॉलेज ऑफ मैनकाइंड इज ए नॉलेज ऑफ देयर पैशन, नॉलेज ऑफ मैनकाइंड यानी ये सी पहले आएगा, नॉलेज ऑफ मैनकाइंड दिस इज दी नॉलेज ऑफ मैनकाइंड इज ए नॉलेज ऑफ देयर पैशन, सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। Next, she said that she was feeling sick of heart, in heart, at heart, to heart, at heart. दिल से वो खुद को बीमार महसूस कर रहा है। She said that she was feeling sick at heart. दिल से वो अपने आप को बीमार महसूस कर रही है। Miss Havisham remained a spinster throughout her life. Is a great expectation because she was betrayed by the bridegroom. Miss Havisham spinster के पूरे जीवन भर great expectation में रही क्योंकि उसे धोखा दे दिया था bridegroom ने। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो था पेपर यूपी पीजीटी का 2010 का, और मैं उम्मीद करता हूं ये पेपर आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं कोशिश करता हूं अभी जो पिछली वीडियो मैंने करा दी है उन वीडियो के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आपको यहां बता दिया करूं ताकि आपका पिछला वर्क भी कवर हो जाए, ठीक है। तो मैं यहां पे विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ी सी बातें बता रहा हूं क्योंकि बच्चे जैसे कुछ स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि सर जो आप पेपर कराते हैं और जो पिछली वीडियो कराई है उसका रिविजन भी करा दिया करो। तो 2010 का पेपर का 30 क्वेश्चन कराया तो मैं आपको यहां पे विलियम शेक्सपियर के बारे में और सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन कर देता हूं। विलियम शेक्सपियर का लिटरेचर बड़ा जबरदस्त है, बहुत माना जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो पेपर है वो क्या है, 425 अंकों का पेपर आएगा, 425 अंकों का, 125 प्रश्न होंगे, 3.4 अंक का एक प्रश्न होगा, 2 घंटे में करने होंगे, सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, काले स्याही के बॉल पेन से आपको काला करना है ब्लॉक को। इसमें एक अनसीन पैसेज आता है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा जैसा कि मैं आपको कई दिनों से ये पेपर करा रहा हूं। पंक्चुएशन मार्क
जो पंक्चुएशन मार्क हैं वो गलत हैं सही हैं, वोकेबुलरी इडियम्स, ये सारे के सारे 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसमें सेकंड सेक्शन होगा लिटरेचर का, लिटरेचर जो पूरा लिटरेचर इंग्लिश और फिगर ऑफ स्पीच, इसके अलावा राइटर्स के बारे में और उनके वर्क के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ मैं आपको करा चुका हूं, विलियम शेक्सपियर आज मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूं, जॉन ग्लासवर्थी, जॉन गाल्सवर्थी था, ये गाल्स होना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लेना, जॉन मिल्टन, जॉन कीट, चार्ल्स लैम, चार्ल्स रिकन आपको करा दिया है, जॉन मिल्टन करा दिया है, जॉन किट्स करा दिया है, मैथ्यू अर्नोल्ड, एल्फर्ड टेनिशन, थॉमस हार्डी, टीएस इलियट, कमला दास मैं आपको करा चुका हूं, मुल्क राजानंद, निसिम इचकिल आपको करा चुका हूं, रॉबर्ट फ्रॉस, वाल्ट व्हाइटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर, ये सारे के सारे राइटर अभी रहे हुए, ये आपको करना। विलियम शेक्सपियर के बारे में बता दूं, 26 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ और 23 अप्रैल 1616 को इनका निधन हुआ। लगभग आप ये मानिए 42 एज के इनकी मर गए। इंग्लिश प्ले राइटर, पोएट, एक्टर, ग्रेटेस्ट राइटर इन्हें कहा गया और इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी कहा गया है विलियम शेक्सपियर को। ये विलियम शेक्सपियर का घर है जहां विलियम शेक्सपियर रहा करते थे। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, उन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि कहा जाता था, लेकिन उन्हें पोएट लोरेट का दर्जा कभी नहीं मिला। उन्हें बार्ड ऑफ एमन भी कहा गया, एक्चुअली एवन एक सिटी था और उसके बार्ड ऑफ एमन नदी के किनारे वो रहा करते थे, तो बार्ड ऑफ एमन उन्हें कहा जाता है। इनके वर्क कोलेबोरेशन 39 प्ले इन्होंने लिखे हैं, 154 सोनेट लिखे हैं, 14 लाइन के स्टेंजा को सोनेट कहा जाता है, 39 प्ले 154 सोनेट। शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वार्विकशायर इंग्लैंड में पैदा हुए थे, एवन एक नदी है उसके किनारे ये पैदा हुए थे स्ट्रैटफोर्ड में। 18 साल की एज में एनी हैथवे से इनका मैरिज हुई थी, उनकी उम्र 26 साल थी और इनकी उम्र 18 थी। इनके 3 बच्चे हुए, सुसाना और हेमनेट और जुडिथ, जो कि 2 ट्विन थे, सुसाना, हेमनेट और जुडिथ 2 ट्विंस विलियम शेक्सपियर के हुए। इनका जो सन था हेमनेट, वो अननोन कॉज एट द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में पता नहीं किस बीमारी से मर गया हेमनेट, जो इनका ट्विंस था। 1585 से 1592 तक बिगेन ए सक्सेसफुल करियर इन लंदन, इन्होंने सक्सेसफुल करियर शुरुआत की, एक्टर, राइटर, पार्ट ओपनर ऑफ प्लेइंग कंपनी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये कंपनी थी इनकी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये ब्लू प्लाक मिला करता इंग्लैंड में और इसे बाद में किंग्स मैन नाम दिया गया था। 49 की एज में अराउंड 16-3 ही अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्ट्रैटफोर्ड, स्ट्रैटफोर्ड चले गए और लगभग 3 साल बाद 52 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, स्ट्रैटफोर्ड में चले गए, यानी लास्ट के 3 साल ये वहीं रहे, रिटायर हो गए। हाउएवर इन 1623 टू फेलो एक्टर फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कोंडल, उनके 2 मित्र एक्टर और दोस्त जॉन हेमिंग्स और हेनरी कोंडल ने उनके टेक्स को नोन किया फर्स्ट फोलियो, जिसमें उनके मरने के बाद उनके ड्रामेटिक वर्क को इंक्लूड किया गया। केवल 2 प्ले उनके इंक्लूड नहीं किए गए थे आउट ऑफ 37 प्ले उसमें थे। इनका नाम था जॉन हेमिंग्स और हेनरी कोंडल। इस वॉल्यूम में प्रीफेस जो था, ये बेन जॉनसन ने पोएम लिखी थी इस प्रीफेस में, फर्स्ट वॉल्यूम की बेन जॉनसन ने पोएम लिखी थी। जॉनसन प्रिसेंसली हेल्ड शेक्सपियर इज नाउ फेमस कोट नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, एक एज का नहीं लेकिन पूरे समय का
ये जॉनसन ने फ्रेज लिखा था और ये बड़ा फेमस हुआ शेक्सपियर के बारे में, बेन जॉनसन ने उनके बारे में लिखा था। विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर, जो सक्सेसफुल ग्लोवर थे, यानी ग्लोव मेकर थे, ग्लोव बनाते थे स्वीटर फील्ड में। उनकी माँ मैरी आर्डिन एक बहुत ही अमीर फैमिली से थी, जिनके पास जमीन जायदाद बहुत सारे थे। शेक्सपियर को कहा जाता है स्ट्रैटफोर्ड में जहाँ वो पैदा हुए थे, वहीं के किंग्स न्यू स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई, एजुकेशन स्ट्रैटफोर्ड में ही जन्मे, स्ट्रैटफोर्ड में ही मरे। निकोलस रोवे फर्स्ट बायोग्राफर कहे जाते हैं शेक्सपियर के। उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड लीजेंड दैट शेक्सपियर फ्लेड द टाउन ऑफ लंदन टू एस्केप प्रोसिक्यूशन, कहते हैं स्ट्रैटफोर्ड से भागकर वो लंदन चले गए थे एक प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए। डियर क्वेश्चन, एक्चुअली उन्होंने एक हिरन को मार दिया था, एस्टेट ऑफ लोकल स्क्वायर थॉमस लूसी का हिरन मारा गया था, तो प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए लंदन चले गए। शेक्सपियर इज ऑल्सो सपोज टू हैव टेकन हिज रिवेंज ऑन लूसी बाय राइटिंग ए स्कुरलियस बैलेड अबाउट हिम। थॉमस लूसी जिन्होंने उनके ऊपर केस किया, उसके ऊपर कहते हैं इन्होंने एक बदला भी लिया, उसके ऊपर एक बैलेड लिख के, एक लूसी नाम का बैलेड इन्होंने लिखा था और वो इसी से इंस्पायर था। ही वॉज सफिशियंटली नोन इन लंदन, लंदन में वो जब जाने जाने लगे तो उन पर अटैक भी हुआ, रॉबर्ट ग्रीनी ने उन पर अटैक किया था, कहा था देयर इज एन अप स्टार्ट करो, ये एक कोवा है जो अभी अभी उड़ना सीखा है, ब्यूटीफाइड विद अवर फीदर्स, यानी हमारे पंख लगा लिए हम जो है लेखक हैं, एंड विद हिज टाइगर शर्ट रैप देने प्लेयर साइड, और उसने अपने टाइगर के दिल को प्लेयर के अंदर बंद कर लिया। सपोज ही इज एज वेल एज एबल टू बॉम्बास आउट ए ब्लैंक वर्क एज दस बेस्ट ऑफ यू, और वो आपको एक ब्लैंक वर्स दे रहा है जो आपके लिए सपोज किया जा रहा है सबसे अच्छे हैं। बींग एन एब्सोल्यूट जॉन्स विक्टिम इज इन हिज ओन कॉन्सेप्ट ओनली शेक सीन इन ए कंट्री, शेक्सपियर में बस शेक करने के लिए, हिलाने के लिए है कंट्री में सीन को। अप स्टार्ट को रॉबर्ट कहा था, रॉबर्ट ग्रीनी ने इन्हें अप स्टार्ट करो कहा था। आफ्टर 1594 शेक्सपियर प्ले वर परफॉर्म ओनली बाय द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, 1594 के बाद लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन में उनके प्ले किए जाते थे। एक्चुअली उस समय सिनेमा नहीं होता था, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इंक्लूडिंग शेक्सपियर भी इसमें पार्ट करते थे। दैट सून बिकम द लीडिंग प्लेइंग कंपनी इन लंदन। एक्चुअली जब ये लंदन गए थे तो कहते हैं ये पर्दे उठाना, पर्दा डलता है अगर आपने देखा हो कभी, तो कर्टेन रेजर थे ये, पर्दा उठाया करते थे और जो प्ले देखा करते थे, प्ले देखते देखते इनके दिमाग में आइडिया आया और ये राइटर बन गए और प्ले लिखना शुरू कर दिया। मतलब एक कर्टेन रेजर से लेके ये डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर तक बने। आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ की 1603 में डेथ हो गई, एलिजाबेथियन एज के पोएट थे, एलिजाबेथियन एज के पोएट कहा जाता है, वाज अवार्डेड रॉयल पेटेंट बाय द किंग्स जेम्स फर्स्ट। किंग्स जेम्स फर्स्ट ने इन्हें, इनकी कंपनी को किंग्स मैन नाम दे दिया, रॉयल पेटेंट। In 1599, a partnership of member of company built their own theatre on the South Bank River of Thames. London में Thames नदी के किनारे दक्षिण में इन्होंने Globe नाम का एक theatre बनाया जो public के लिए बनाया गया। कहते हैं बीच में से खुला हुआ था, public बैठ के इसमें theatre में drama देखा करती थी और ये बिल्कुल free किया करते थे, क्योंकि Shakespeare believe करते थे कि अगर किसी को free चीज दी जाए तभी वो पैसों में भी बिकेगी, यानी गरीब लोगों को इन्होंने कहा। और ये ऑल शीप्स आर बिहाइंड ए शीप, है ना, भीड़ जिधर चलती है पब्लिक भी उधर चलता है, भीड़, ये कॉन्सेप्ट शेक्सपियर का ही दिया हुआ है। उन्होंने कहा भीड़ इकट्ठी करो अपने आप प्ले चलने लगेगा, और इसी कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने ग्लोब बनाया। 23 अप्रैल 1616 को उनका निधन हो गया 52 ईयर की एज में। ही डाइड विद इन ए मंथ ऑफ साइनिंग हिज विल, उन्होंने अपनी विल साइन की और एक ही महीने के अंदर वो मर गए। कहते हैं
ये जो है बड़ी परफेक्ट हेल्थ था, क्यों मरे, कैसे मरे, उनके विल में कुछ घोटाला किया, विल राइटर ने, ये कुछ नहीं पता। शेक्सपियर वॉज बरीड एट चेंसल एंड होली ट्रिनिटी चर्च, 2 दिन बाद चेंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च में उन्हें दफनाया गया। एपिटेप जो इनकी कब्र है, स्टोन स्लैब से कवर है, स्टोन से कवर है, और इसमें मूविंग हिज बोन्स ग्रेव इंक्लूड कर्स अगेंस्ट मूविंग हिज बोन विच वॉज केयरफुली अवॉइडेड ड्यूरिंग रिस्टोरेशन टू द चर्च इन 2008। कहते हैं जहां ये चर्च था बड़ी दिक्कतें हुई और मूव भी करना पड़ा 2008 में जाके, जब ये चर्च बना तो इन्हें दोबारा से दफनाया गया। फर्स्ट रिकॉर्डेड वर्क ऑफ शेक्सपियर आर रिचार्ड थर्ड, पहला रिकॉर्डेड वर्क जो शेक्सपियर का कहा जाता है, ये नाम था रिचार्ड थर्ड। ये 3 पार्ट में हेनरी 6 की, हेनरी 6 रिटन इन अर्ली 1590, ए वोग ऑफ हिस्टोरिकल ड्रामा, एक हिस्टोरिकल ड्रामा लिखा था उन्होंने, द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है इन्हें, ट्रेजेडी लिखा करते थे। ट्रेजेडी क्या होता है, जिसमें लास्ट में हीरो या हीरोइन मर जाती है, ट्रेजेडी उन्होंने लिखी है। द फर्स्ट हिस्ट्रीज विच ड्रॉ हेविली ऑन 1587 एडिशन ऑफ राफेल होलिंस्टन क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इट ड्रामेटाइज द डेस्ट्रक्टिव रिजल्ट ऑफ वीक एंड करप्ट रूल एंड हैव बीन इंटरप्रेटेड एज ए जस्टिफिकेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ ट्यूडर डिनेस्टी। इन्होंने बताया किस तरह से करप्ट रूल और डेस्ट्रक्टिव रिजल्ट के बाद ट्यूडर डिनेस्टी आ गई। हिस्टोरिकल ट्रेजेडी थी द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लिश, इन्होंने लिखी थी द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये भी बड़ा फेमस इनका मिक्सचर है रोमांस का, फेरी मैजिक का और कॉमिक लो लाइफ का, कॉमेडी, एक तरह से कॉमेडी है, कॉमेडी के किंग माने जाते थे शेक्सपियर। शेक्सपियर नेक्स्ट कॉमेडी वॉज द इक्वली रोमांटिक मर्चेंट ऑफ वेनिस, कंटेंट ए पोर्ट्रेल ऑफ वेनिकफुल ज्यूस मनी लेंडर शाइलॉक, शाइलॉक के बारे में बता, शाइलॉक जो राइटर था, जो हीरो था इनका, प्रोटोगनिस्ट मर्चेंट ऑफ वेनिस का, विच रिफ्लेक्ट एलिजाबेथियन व्यूज बट मे अपियर डेरोगेटरी टू मॉडर्न ऑडियंस, कटाक्ष था ये मॉडर्न ऑडियंस के ऊपर एलिजाबेथ के विचारों में। द विट एंड वर्ड प्ले मच अडू अबाउट नथिंग, द चार्मिंग रूरल सेटिंग ऑफ एज यू लाइक इट एंड लाइवली मैरी मेकिंग 12th Night, कंप्लीट शेक्सपियर सिक्वेंस ऑफ ग्रेट कॉमेडी, इज ए ग्रेट कॉमेडी कहा गया 12th Night को। और इनकी जो फेमस ट्रेजेडी रही है बहुत ही फेमस, रोमियो एंड जूलियस, रोमांटिक ट्रेजेडी ऑफ सेक्सुअली चार्ज्ड एडोलसेंस लव एंड डेथ, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर भी शेक्सपियर का लिखा हुआ है, बहुत फेमस रहा है। सर थॉमस नॉर्थ 1579 ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स पैरेलल लाइफ्स विच इंट्रोड्यूस ए न्यू काइंड ऑफ ड्रामा, जूलियस सीजर इन अर्ली 17th सेंचुरी शेक्सपियर रोट सो कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेज मीजर फॉर मीजर Troilus and Cressida and All's Well That Ends Well and a number of his best known tragedy, ये इनकी best known tragedy मानी जाती हैं शेक्सपियर की, मकबूल, मकबूल ही मैकबेथ, मैकबेथ शेक्सपियर ने लिखा था, इसके ऊपर भारत में मूवी बनी थी मकबूल, इसमें तब्बू निम्मी बनी थी लेडी मैकबेथ और मैकबेथ थे इरफान खान, पंकज कपूर इसमें डंकन फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड बने, इरफान खान मियां मकबूल यानी मैकबेथ थे, मैकबेथ और उनकी वाइफ डंकन फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड यानी अब्बा जी को मार देते हैं, नसरुद्दीन जाहम्परी वगैरह भी इसमें होते हैं और बाद में ये इसी से खुद भी मारे जाते हैं मैकबेथ में। इन मैकबेथ द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट कंप्रेस शेक्सपियर ट्रेजेडी, ये सबसे छोटी शेक्सपियर की ट्रेजेडी मानी जाती है। अनकंट्रोलेबल एम्बिशन, इच्छाएं जो अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल है,
मैकबेथ और उस वाइफ की, ये राइटफुल किंग जो सही राजा होता है उसे मार देते हैं, यूजुरप एंड थ्रोन, उसके राज्य को और गद्दी को कब्जा ले लेते, लेकिन अपने गिल्ट के कारण वो बाद में खुद भी मारे जाते हैं। हेमलेट, हेमलेट जो है, हैदर, हैदर मूवी बनी थी एक, तब्बू इसमें गर्ट्रूड, जो हेमलेट की माँ होती है गर्ट्रूड, शाहिद कपूर हेमलेट प्रिंस बने, श्रद्धा कपूर इसमें ओफेलिया बनी जो प्रेमिका होती है, और घोस्ट जो उसके फादर का घोस्ट होता है रूडर, वो इरफान खान बने थे, और ये थर्ड फिल्म भारद्वाज ने जो शेक्सपियर प्ले से ली थी, विशाल भारद्वाज ने हेमलेट, इसमें उसके पिता का भूत दिखता है कि उसके पिता को मार दिया था, और गर्ट्रूड उसके चाचा से शादी कर लेती है, ये इसमें हैदर में दिखाया गया। ये मिडसमर नाइट ड्रीम्स के ऊपर 100 ml लव बनी थी, मिडसमर नाइट ड्रीम के ऊपर। इन द किंग लियर द ओल्ड किंग कमिटेड द ट्रेजेडिक एरर ऑफ गिविंग अप हिज पावर। किंग लियर में राजा अपनी बेटियों को दे देता है, और अर्न ऑफ ग्लोस्टर मर्डर ऑफ लियर्स यंगेस्ट डॉटर कोरेडिला, कोरेडिला को मार देता है ग्लोस्टर उसकी बेटी को। क्रिटिक फ्रैंक कर्मर द प्ले ऑफर्स नाइदर इट्स गुड कैरेक्टर नॉर इट्स ऑडियंस एनी रिलीफ फ्रॉम इट्स क्रुएलिटी। पूरे किंग लियर में क्रुएलिटी क्रुएलिटी, बैड कैरेक्टर्स ही हैं, कोई अच्छा कैरेक्टर था ही नहीं, सब कुछ इसमें किंग लियर में शेक्सपियर ने बताया। हिज फेमस सोलिलोकी विच बिगिंस टू बी और नॉट टू बी। सोलिलोकी क्या होता है, स्पीच इन ए प्ले इन विच ए कैरेक्टर हु इज अलोन इन द स्टेज। टू बी और नॉट टू बी में सोलिलोकी है, इसमें एक ही एक्टर होता है स्टेज पे, स्पीक हिज हर ओन थॉट, अपने विचारों को बोलता है, एक्ट ऑफ स्पीकिंग थॉट्स अलाउड इन हिज दिस वे, और जो उसका स्पीकिंग बोलने का तरीका होता है वो ही प्ले बन जाता है। टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर एड ए सुपर नेचुरल एंड एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडिक स्ट्रक्चर। हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडी वाज एंटोनियो और क्लियोपात्रा एंड कोरिलेनस। एंटोनियो और क्लियोपात्रा को जूलियस सीजर का सेकेंड पार्ट भी कहा जाता है। सम ऑफ शेक्सपियर्स फाइनेस्ट पोएट्री वर कंसिडर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडी बाई द पोएट क्रिटिक टी एस इलियट। टी एस इलियट ने शेक्सपियर को फॉलो किया और उन्होंने शेक्सपियर की फाइनेस्ट पोएट्री का कोरिलोनस को, कोरिलोनस। द एक्टर्स इन शेक्सपियर्स कंपनी इंक्लूड फेमस रिचार्ड बर्बेज, विलियम कैंपे, हेनरी कोंडेल एंड जॉन हेमिंग्स। ये एक्टर थे उनके टाइम में। शेक्सपियर के फर्स्ट प्ले रिचार्ड थर्ड, हेमलेट, ओथेलो और किंग लियर का जो रोल किया है वो रिचार्ड बर्बेज ने किया। रिचार्ड बर्बेज ने चार रोल प्ले किए हैं, रिचार्ड थर्ड, हेमलेट, ओथेलो और किंग लियर में। 1593 टू 1594 व्हेन द थिएटर वर क्लोज बिकॉज ऑफ प्लेग, प्लेग फैल गया था, शेक्सपियर ने दो नैरेटिव पोएम ऑन सेक्सुअल थीम लिखी थी, वीनस एंड एडोनोसिस एंड द रेप ऑफ लुसरिस। ये उन्होंने हेनरी व्रिथुस्ले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की थी, क्योंकि उस समय बंद थे, ड्रामा नहीं होते थे, प्ले नहीं होते थे प्लेग के कारण, दो साल ये बंद रहा, उस समय इन्होंने वीनस एंड एडोनोसिस द रेप ऑफ लुसरिस लिखी और ये डेडिकेट की हेनरी व्रिथुस्ले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। वीनस एंड एडोनोसिस में एक इनोसेंट एडोनोसिस होती है जो वीनस का सेक्सुअल एडवांस रिजेक्ट कर देती है, व्हाइल इन द रेप ऑफ लुसरिस द वर्चुअस वाइफ लुसरिस इज रेप्ड बाय लस्टफुल टार्क्विन। टार्क्विन रेप कर देता है लुसरिस का। इन्फ्लुएंस्ड बाय ओविड्स मेटामॉर्फोसिस द पोएम शो द गिल्ट एंड मोरल कंफ्यूजन दैट रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड लस्ट। कैसे अपराध है, मोरल कंफ्यूजन है, अनकंट्रोल लस्ट को दिखाया इन्होंने। बोथ प्रूव पॉपुलर, दोनों पॉपुलर हुए, एक में तो फोर्सफुली और एक में रिजेक्ट कर देती है
वर द रिप्रिंटेड ड्यूरिंग शेक्सपियर लाइफ टाइम। ये दोबारा कभी रिप्रिंट नहीं हुए शेक्सपियर के लाइफ टाइम में। ए थर्ड नैरेटिव पोयम, ये नैरेटिव पोयम थी इनकी दो, वीनस एरोनेसिस एंड द रेप ऑफ लोसरिस। इसके बाद इन्होंने एक थर्ड पोयम और लिखी, ए लवर्स कंप्लेंट, इन विच ए यंग वुमेन लेमेंट्स हर सेडक्शन बाय परसुएसिव स्यूटर, वॉज प्रिंटेड इन फर्स्ट एडिशन इन सोनेट इन 1609, 1609 में पब्लिश हुई। मोस्ट स्कॉलर नाउ एक्सेप्ट शेक्सपियर रोट ए लवर्स कंप्लेन, ये जो है सोनेट के रूप में प्रकाशित हुई थी, अब यही माना जाता है कि शेक्सपियर ने लिखी। क्रिटिक्स कंसीडर दैट इट्स फाइन क्वालिटीज एंड मार्ड बाय लेडन इफेक्ट्स। 1609 में सोनेट वर द लास्ट शेक्सपियर नॉन ड्रामेटिक वर्क टू बी प्रिंटेड। स्कॉलर्स आर नॉट सर्टेन व्हेन ईच ऑफ द 154 सोनेट कंपोज, 154 सोनेट जो शेक्सपियर ने कंपोज किए, ये कब बनाए गए, कब कंपोज किए, ये नहीं पता। बट एविडेंस सजेस्ट दैट शेक्सपियर रोट सोनेट थ्रू आउट हिज करियर फॉर ए प्राइवेट रीडरशिप। ये सोनेट शेक्सपियर ने प्राइवेट रीडरशिप के लिए लिखे थे, बाद में पब्लिश हुए। शेक्सपियर स्टैंडर्ड पोएटिक फॉर्म वाज ब्लैंक वर्स, वो ब्लैंक वर्स में लिखा करते थे, विच इज कंपोज इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी। शेक्सपियर मास्टर ट्रेडिशनल ब्लैंक वर्स, ही बिगेन टू इंटरप्ट एंड वेरी इट्स फ्लो, वो बीच में रोकते थे और उसके फ्लो में भाके ले जाते थे। दिस टेक्निक रिलीज द न्यू पावर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पोएट्री इन प्ले, इसी से पोएट्री प्ले में दिया। एज जूलियस सीजर एंड हेमलेट, शेक्सपियर यूजेज इट फॉर एग्जाम्पल टू कन्वे द टर्मोइल इन हेमलेट्स माइंड, तो पोएट्री वो ब्लैंक वर्स में लिया करते थे, हेमलेट के दिमाग में क्या तूफान चल रहा है उसे बताने के लिए पोएट्री यूज किया करते थे ब्लैंक वर्स में। इनका पहला फोलियो जो बैंसन ने कहा था, सोल ऑफ द एज द अप्लॉज डिलाइट एंड द वंडर ऑफ एज, अपने जमाने की एक ऐसी आत्मा जिसे हम अप्लॉज करें, डिलाइट करें, और ये स्टेज का वंडर है, आश्चर्य है। ऑल्दो ही हैड रिमार्क एल्वेस शेक्सपियर वॉन्टेड आर्ट, बिटवीन 1590 टू 1613 शेक्सपियर रोट एटलीस्ट 37 प्लेस एंड कोलोबरेटेड ऑन सेवरल मोर। 37 प्ले खुद लिखे और कुछ में कोलोबरेट किया। हिज 17 कॉमेडीज, इनमें से 17 कॉमेडीज थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडू अबाउट नथिंग, अमंग हिज 10 हिस्ट्री प्ले, इनमें 10 हिस्ट्री प्ले थे, हेनरी फाइव, रिचार्ड थर्ड, द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये ट्रेजेडी रही है उनकी। 154 सोनेट, शेक्सपियर ने 154 सोनेट की सीक्वेंस कंप्रोमाइज की जो 1609 में पब्लिश हुई। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दीज सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू अननेम्ड अट्रैक्टिव यंग मैन, इसका नाम नहीं है, उसको एड्रेस करके लिखी गई, हु रिप्रेजेंट ब्यूटी लव एंड प्रेस। ये 154 सोनेट ब्यूटी पे, लव पे और प्रशंसा पे लिखे गए। ये था विलियम शेक्सपियर का पहला पार्ट, विलियम शेक्सपियर के। अब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा कल से। ये तो विलियम शेक्सपियर के लाइफ के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में बताया, और देखिए मैंने आपको विलियम शेक्सपियर का नॉवल भी बता दिया था। इसमें मैं आपको आपको बता चुका हूं टेम्पेस, ट्वेल्थ नाइट, ये प्ले मैं आपको करा चुका हूं। तो इन प्लेस को भी मैं दोबारा से करा दूंगा। मेरे चैनल ए टू जरकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन दबा दीजिए जरूर। ये सीजर के बारे में था, इनका सीजर के बारे में, और ये मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये टेम्पेस का मैंने पूरा डिटेल आपको दिया था। टेम्पेस वर्ल्ड्स बेस्ट समरी, प्रोस्पेरो मिलान का किंग, मिरांडा डॉटर, एरियल एक स्प्रिट थी, मिरांडा प्रोस्पेरो एक लैंड पे होते हैं,
कैलिबन उनका सर्वेंट होता है, साइकोरेक्स विच होती है जिससे वो एरियल को बचाता है, एलोंसो नेपल का किंग है, सेबेस्टियन एलोंसो का ब्रदर है, एंटोनियो प्रोस्पेरो का ब्रदर है जो उसे मारना चाहता है, फर्डिनेंड एलोंसो का बेटा है, सेबेस्टियन का बेटा है। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है। और फिर एंटोनियो क्लियोपात्रा, मैरी वाइफ, एंटोनियो और क्लियोपात्रा की स्टोरी, और ये मैरी वाइफ ऑफ विंडसर, मैरी वाइफ ऑफ विंडसर किस तरह से बेवकूफ बनाती हैं, 12th नाइट की समरी मैंने आपको बता दी थी पूरी, 12th नाइट में जुड़वा भाई बहन की कहानी है 12th नाइट, और लव ट्रायंगल से उलझी हुई जबरदस्त स्टोरी है। और फिर ओथेलो बताई थी, ओथेलो जो है ओमकारा के नाम से मूवी बनी थी इंडिया में, ओथेलो की, हैमलेट की हैदर थी और मैकबेथ की मकबूल थी। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आने वाले टाइम में। तो शेक्सपियर के बारे में जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ए टू जेड करें, और डेली आपको ये मॉर्निंग में वीडियो भी मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू अगेन, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ए टू जेड करियर्स चैनल भी दिखा देता हूं मैं आपको, ए टू जेड करियर्स जो मेरा चैनल है, ये देखिए ए टू जेड करियर्स, ये मेरा चैनल है यूपी पीजीटी, पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, जबरदस्त तैयारी के लिए डेली आपको इसमें 3 वीडियो मिलती है, और एक पिछला भी हम इसमें ऐड किया करेंगे आपको बताया करेंगे। ओके, सी यू।